जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास आज जो रिपोर्ट है उसमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज से ताल्लुक है उस रिपोर्ट का, और इसके अंदर हर साल एक बेहतरीन स्पीकर का इंतखाब किया जाता है, और उसका तरीक़ाकार कुछ यूँ होता है कि मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके पहले लेवल वन में इंटर क्लास जो है वो मुकाबले होते हैं, उसके बाद इसी तरह जो डिपार्टमेंट में से बेहतरीन स्टूडेंट्स करार पाते हैं वो फिर दूसरे डिपार्टमेंट से आपस में उनका मुकाबला होता है, और उसके बाद कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको तैयार किया जाता है इस लेवल के लिए कि वो बाहर जाकर अपने जो इस स्पीच कंपटीशन है उसमें हिस्सा ले सकें और अपनी यूनिवर्सिटी को वो नुमाइंदगी कर सकें। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है तर्जमान यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस आमिर। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम सलाम। जी आमिर, कुछ तफसीलात बताइएगा कि ये जो आपका लेवल वन, लेवल टू और लेवल थ्री जैसे आपने मुझे बताया, ये इसकी कुछ तफसीलात क्या हैं, हमारे जो सुनने वाले वो भी सुनना चाहेंगे। बेसिकली हमारा ये है जो आपको बताता चलूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में हर सीस्टम में एक रेगुलर पब्लिक स्पीकिंग को प्रमोट करने के लिए, एनहांस करने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के स्किल्स को प्रमोट करने के लिए हर जो डिपार्टमेंट है वो अपने अलादा अलादा स्पीच कॉन्टेस्ट को अरेंज करवाता है, और इन स्पीच कॉन्टेस्ट में ये होता है कि हर डिपार्टमेंट में से पहले इंटर क्लास एक कंपटीशन हेल्ड किया जाता है। इंटर स्पीच जो इंटर क्लास स्पीच कॉन्टेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि टीचर पहले अपने तौर पर अपनी क्लासेस से जो हर डिपार्टमेंट है वो क्या करता है स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हैं, उन स्टूडेंट को तैयारी करवा के उनमें से मजीद फिर एक उनका एक टेस्ट होता है। टेस्ट में से जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं अराउंड डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है, वो जो विद इन डिपार्टमेंट होता है कंटेस्ट उसका उसमें मुकाबला करते हैं। इसमें से क्या होता है कि फिर जब जो लोग जीतेंगे वो जाके इंटर डिपार्टमेंटल लेवल पे कंपटीशन करेंगे, तो इंटर डिपार्टमेंट लेवल से जो लोग जीतेंगे वो क्या करेंगे, वो जाके मुख्तलिफ मुकाबलों में मुल्की सतह पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ जाके मुकाबलों में डिबेट में हिस्सा लेंगे। अच्छा आमिर, ये कब शुरू हुआ था आपका ये सिलसिला और कब तक ये जारी रहेगा? वैसे तो आपका मेरे ख्याल में सारा साल ही तकरीबात का सिलसिला जारी रहता है, ये भी किसी तकरीब का हिस्सा है, किसी कंपटीशन की तैयारी हो रही है? बेसिकली ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि ये यहाँ से जो स्टूडेंट तैयार होंगे वो हमारे जाकर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये बेसिकली लेवल वन है। लेवल वन का जो इनकार वो शुरू है 18 अप्रैल से। 18 अप्रैल में सबसे पहले मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने अपने डिपार्टमेंट में इस कॉन्टेस्ट का इनकार करवाया था, उसके बाद 18 को ही मैनेजमेंट साइंसिंग ने करवाया था, और कल 19 को इंग्लिश जो हमारे फंक्शनल कोर्सेज का डिपार्टमेंट है वहाँ पे स्पीच कॉन्टेस्ट का इनकार हुआ था, और इन जो और आज है 20 अप्रैल को इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो ब्लॉक हॉल में हमारे स्पीच कॉन्टेस्ट का इनकार है, और ये होगा कि इसी तरह आगे ये हमारे जो हैं वो तकरीबन 1 मई तक वहाँ ये चलेंगे सारे स्पीच कॉन्टेस्ट, और इनमें से क्या होगा कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होंगे उनको अगर आगे फर्दर लेके जाया जाएगा इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्टेस्ट में। जी मलिक आमिर सलीम, आपका शुक्रिया। जी हमारे साथ मौजूद थे नमल के तर्जमान मलिक आमिर सलीम, उनसे हमें आगाह किया उन मालूमात से जो आजकल उनके पास अनगोइंग इवेंट्स हैं या एक सिलसिला जारी है। जी सामने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शहर, और रिपोर्ट अभी हमने प्रोग्राम में शामिल की जावेद गफारी की, और इस वक्त प्रोग्राम में शामिल करेंगे जुड़वा शहर।